जी अभी बैक साइड की ये हालत है, ठीक है। ये जो इसका फॉर्मिका लगा हुआ है ना, ये टोटल ज़ाया हो चुका है, तो अभी इसको हम रिमूव करने लगे हैं और इसके अंदर से मिरर। तो ये छोटे छोटे कील होते हैं, ये मैं अगेन बता दूं जो अभी जिन्होंने यहाँ से वीडियो देखना शुरू किया कि ये कोई 25-26 साल पुराना ड्रेसिंग है जिसका हमने ये सेपरेट किया है कंसोल। ये जुड़ा हुआ था, मैंने स्टार्ट में दिखाया था पार्ट वन के अंदर। अगर आप पार्ट टू देख रहे हैं तो आप देख लें कि अब हम मिरर का काम कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट टू इज़ मिरर, ठीक है। अभी हमने पहले एक दफ़ा जो पतला सा जो पेंट का कोट है वो हमने पार्ट वन में बता दिया था कि हमने कर लिया। अब पार्ट टू में इसकी टोटल फर्निशिंग दिखाऊंगी कि ये किस तरह से रेडी होएगा। अभी इसका मिरर निकल रहा है, ये फार्मिका बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसको ये फूल चुकी है, ये देखें यहाँ से। ये क्यों उतार रहे हो, ये तो उतारो ना, क्लीन नहीं करना शीशा, कुछ तो लगा दे, सारा मिट्टी के तेल से साफ होएगा ताकि एक दफ़ा जब लगे। से थोड़ा सा डैमेज है ना, बेशक ना निकालो, मैं मोड़ दो ना इस तरफ को। ओके जी, तो ये शीशे के हालात हैं जनाब, अभी मुझे इग्नोर करना, ठीक है। और ये रहा फ्रेम हमारे पास, जी अभी मैंने वाइट पार्ट सारा कंप्लीट कर लिया। अभी जिधर जिधर गोल्डन किया था, जिधर जिधर फिलिंग की नीड थी उधर मैंने पेंट किया, क्योंकि गोल्डन करने के बाद उसके क्रैक्स नज़र आ रहे थे। जैसे मैंने पहले बताया, जो लेकर पेंट होता है जिसको रोगन भी बोलते हैं, इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि ये जो अगर लकड़ी कहीं से डैमेज है तो ये उस क्रैक्स को ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ कि यहाँ पर क्रैक्स थे मगर पेंट ने उस क्रैक्स को फिल कर लिया। तो अब हमने एक कोट इसका पहले रात को किया था और एक कोट अब हमने कर दिया है अगेन। अब ये ड्राई हो जाएगा जब 80%, तो इसके ऊपर हम गोल्डन जो है लेकर करेंगे, और अगर कहीं नीड हुई तो फिर वाइट का जो है टचअप दे देंगे। अदरवाइज़ जिस तरह से ये कंप्लीट हुआ है उस तरह से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके अंदर ये मिरर हमने ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया था, अब इसके किनारे रह गए हैं। वो अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो टाइम है वो 8, 8:30 या 8:45 का हो रहा है, तो आप आइडिया कर सकते हैं कि क्या सर्दी के हालात हैं। तो इस वजह से इसको रगड़ने में बड़ी मेहनत लग रही है, तो इसके किनारे इंशाल्लाह सुबह साफ़ कर लेंगे जब धूप निकलेगी। तो अदरवाइज़ ये ऑलमोस्ट डन है, बस ये ड्राई होएगा तो इसको हैंडल लगेंगे, और ये जो मिरर का पार्ट है ये अभी ड्राई हो जाए 80%। सुबह के 7 बज रहे हैं और कैन यू सी, मैंने अपने बालों पर भी पेंट लगा। बहुत ज़्यादा सर्दी है और इतनी सर्दी में ऑब्वियसली मैं काम नहीं करने आई, बस इसको देखने आई थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्रेसिंग के क्या हालात हैं। इग्नोर माय मैसी कंडीशन, आज बहुत काम है करने वाले, चेकलिस्ट बना चुकी हूँ। आज 16 नवंबर है और आज मैं पेज पर 20 दिन हो गया मुझे लाइव भी नहीं किया, तो मैं 19 दिन बाद या 20 दिन बाद वरेवर लाइव भी करना है। तो मैंने चेकलिस्ट बना ली अपने काम की, कुछ पार्सल्स भी भेजने हैं, तो वो टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहूँगी मैंने क्या क्या किया। सो बिज़ी ट्यूसडे, कल कुछ काम नहीं, पार्सल नहीं भेजे थे क्योंकि कुछ इशूज़ थे, वो नहीं कर पाई थी मैं पार्सल्स का। सैटरडे को हमने लास्ट कंसाइनमेंट भी भेजी थी, एज़ यू नो गाइज मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। तो आज जो मन्हा का पेपर है, अभी मैं मन्हा को उठा कर आई हूँ, अब मैं उसके लिए नाश्ता बनाऊँगी। अभी मैं इसको चेक करने आई थी ड्रेसिंग को, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी तक। एज़ यू गाइस नो कि मैंने रात को इसको फ्रेम को पेंट किया था, तो अभी कुछ ये इस तरह का लग रहा है। ये जो लाइंस हैं ये थोड़ी डिम है क्योंकि रात को ये गीला था। एज़ यूजल वी वॉन्ट कि ये अंदर शिफ्ट हो जाए जल्दी जल्दी, और आज इसको कंप्लीट करना है। ड्रॉर अंदर से मिट्टी के तेल से करेंगे क्लीन, ये ड्रॉर है अंदर की कंडीशन, इनमें थोड़ा बहुत लगा। वैसे मैं इसके अंदर पेपर ही बिछाऊंगी ऑब्वियसली, तो एज सच नीड की भी ज़रूरत नहीं है, इग्नोर क्लीनिंग की भी नीड नहीं है, पर फिर भी हम थोड़ा बहुत इसको साफ़ करेंगे। मिरर दिखा देती हूँ, मिरर जो है 80% हमने रात को क्लीन कर लिया था, इग्नोर माय मैसी पजामा एज वेल। ओके, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ड्राई होने के करीब है, फुली ड्राई नहीं हुआ अभी तक, इसको हम चेक करें। खैर ये फिंगरप्रिंट तो नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी स्लाइटली जो है गीला है। सो इसको जब अंदर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली कार वॉश बहुत मैसी है। उसके बाद मैं आपको अपना रूम भी दिखाती हूँ, वो भी बहुत मैसी है जहाँ पे ये जाएगा, और टीवी लाउंज की भी सफाई होगी, और दूसरा रूम भी बहुत बिखरा हुआ है जहाँ से हमने ये ड्रेसिंग वगैरह जो है इसका स्टफ़ वगैरह फेंका हुआ है, जो जो भी चीज़ें हैं। तो आज मिशन है हमारा सफाई, पार्सल भेजने, इसको कंप्लीट करना, और मेरी अपनी शक्ल संवारनी है ज़रा, खुदा को मानो यार। पिछले 8 दिन से घर में ऐसा बिजी हूँ कि बता नहीं सकती हूँ कि कैन यू इमेजिन माई हेयर्स लुक लाइक दैट। ओह
ओके तो अब मैं ये आलू मैश कर रही हूँ। जैसे मैंने कल रात को बताया था कि अनहा बुस्सी तरक्की उठी है, अभी यूनिफॉर्म पहना है, अभी पूनिया बनाऊँगी इसकी रोटी बनने के बाद, अभी स्कूल में टाइम है। अनहा बेटा आप भी खाओगी पराठा? हाँ बोलो, चीनी वाला बना दूँ? क्यों बोलो, वाई खाली पेट नहीं जाते? मैंने अगेन स्पाइसी नूडल खिला देनी है। वाई यू आर शॉटिंग? दरअसल बैक टू बैक एग्ज़ाम और मनहा बीमार रही है 8 दिन, बल्कि अभी भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसी की रीज़न थी ज़्यादा कि मैं एक्टिव भी नहीं थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई है। अभी वो कह रही है मुझे कुछ नहीं खाना। 11 बजे वैसे तो ऑफ हो रहा है क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, 11 बजे ऑफ हो जाता है, बट आई ट्राई शीट समथिंग। एक तो बच्चों को खिलाने की वजह से जो बच्चा आता है ना, बंदा खुद खा खा के ऐसे मोटा हो जाता है, बच्चे छोड़ देते हैं, क्या करें, किस किस के बच्चे छोड़ देते हैं और कौन कौन सी मदर्स हैं जो उनके बच्चे हुए पराठे और बच्चे हुए सैंडविचेस खाने पड़ते हैं, जिनको मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ तो ये बहुत बार होती है। तो मैंने पेड़े भी बना ली हैं, आलू भी मैश कर लिए हैं, लेट्स मेक अ रोटी। आग चला लिए, मेरा कुछ काटा थोड़ा कम है पर कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं और मैं रोटी बना लूँ, देन आपको दिखाती हूँ अपना पराठा। जी तो किस किस के साथ ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ बना रहे हो और जब आप बनाने लगो तो पता चले भाई ये तो चीज़ है ही नहीं है? मुझे बहुत गुस्सा होता है जब कभी ऐसा होता है। तो हमारे किचन में एग्जॉस्ट की जो आवाज़ है ना, वो इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा तो बाहर गाड़ियों की आवाज़ नहीं है। हेलो, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से रोटी पलट रही हूँ। मेरी रोटी उलटने लगी थी, उलटने लगी थी, मेरा पराठा उलटने लगा था कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, मेरी आँखों के आगे मोबाइल है। अच्छा, आपकी बहुत सारी लड़कियों ने मुझे कहा था कि व्लॉग्स बनाया करें, दिखाया करें कि आप डेली क्या करती हैं, तो ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह कि कुछ इस तरह का डेली रूटीन शेयर करूं, ताकि आप लोगों को एक तो आइडिया हो जाए कि वर्किंग वूमेन प्लस मदर और प्लस घर को मैनेज करना कैसा होता है। बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कुछ करने की। अच्छा, मैं प्लास्टिक के बर्तन बहुत कम यूज़ करती हूँ, ये बहुत पुराने बर्तन हैं, मैं न्यू तो नहीं देखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत संभाल के रखती हूँ चीज़ों को, तो ये शादी के ही हैं, तो एक सेट जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। प्लास्टिक के बर्तन मुझे नहीं पसंद, किस किस को नहीं पसंद ज़रा बताना। वैसे तो होते हैं यूजुअल बच्चों के लिए, ग्लास में ख्याली के लेकर आती हूँ, प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं, बट मुझे रोटी वगैरह रखने के लिए, सालन वगैरह डालने के लिए पत्थर के या शीशे के बर्तन पसंद है। तो आँच को करेंगे थोड़ा कम। दिस इज़ द माई यमीएस्ट पराठा रेडी। एक पराठा रेडी हो गया जी, बाकी के भी बना लेते हैं। और फिर जी तो ये है दिल की रोटी, ये मनहा बुस्सी तरक्की बैठी है, कहवा पी रही है, ये इसने पराठा बचा दिया, और ये आदमी है, ये मुंह भी नहीं धोया इसने, और ये बस आते हो कि यार मुझे पराठा दे दो बस। देखो प्लेट से भी बड़ा है, ठीक है, एक ही मिलेगा। ओके, अब मनहा की पोनी बनाएंगे। देखिए मनहा का बॉक्स है जिसमें इतनी सारी पेन्स हैं, लेकिन हमें जब चाहिए होती है हमें कोई नहीं मिलती, और ये मनहा रोज़ इधर भी खेरा डाल देती है। सो मनहा आपका मूड ख़राब है? अच्छा जी, आज इस रूम की भी सफाई करनी है, ये सारी अलमारी सेट करनी है, बहुत कुछ है, ये सारा बखेड़ा साफ़ करना है। एनीवेज़ मैं मनहा की पोनी बना लूँ। नाउ ऑल क्लीन। अच्छा, मैंने क्या बताना था आपको कि ये मेरे किचन की जो अलमारियाँ ना, ये बहुत ही पुरानी हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। वैसे तो ऑब्वियसली जब हम अपना घर बनाएंगे तो हम अपने हिसाब से बनवाएंगे, लेकिन ये रेंटेड घर होते हैं तो इनकी जो अलमारियों के कलर है ना, ये बड़े ही ख़राब हैं। तो जस्ट वॉन्ट टू चेंज, थोड़ा सा साफ़ लगे। और ये भी मैंने शीट लगाई हुई है, ये भी यहाँ से ना काफ़ी ख़राब हो गई है बॉटल की वजह से, तो इसका भी कुछ करूँगी, आई वॉन्ट कि इसको रिमूव कर दूँ, और ये कुछ चेंजेस हैं यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। और आप मुझे बताएं कि कौन सा कलर करना चाहिए। आई जस्ट ऑब्सेस विद द वाइट, जब से मैंने वो ड्रेसिंग किया तो मेरा दिल कर रहा है मैं किचन को भी टोटल वाइट कर दूँ, मगर ये मैंने कैबिनेट लगवाई थी तो ये ग्रे कलर है, तो अब देखते हैं कि मैं ग्रे करती हूँ या वाइट। और इसका जो थीम है वो स्किन है, जो टाइल्स लगी हैं ना वो स्किन है, लेकिन इसके साथ वाइट भी अच्छी लगेंगी जो टाइल्स लगी हैं। वैसे तो मैं इनको बहुत वॉश करती हूँ, लेकिन ये फिर भी थोड़ी गंदी है, तो मैं चाह रही थी सारा किचन एक दफ़ा जो है ना क्लीन किया जाए, तो लेट्स सी क्या करते हैं नेक्स्ट संडेज के साथ। अच्छा जी, अब यहाँ पर अदील जो है वो ये सारी शीट्स लगा रहा था, और ये नाप नाप के काट काट के शीट्स लगनी थी,
और साथ साथ माप रहा था और साथ साथ जो है शीट कट कर रहा था। ट्राईपॉड पे मैंने मोबाइल लगा दिया था और ये टाइम लैप्स बन रही हैं ताकि वैसे सिंपल वीडियो में फिर स्पेस बहुत हो जाती है। तो ये फाइनली शीट लग गई है, तो ये चेक कर लें। ऑब्वियसली ये इतना ज़्यादा नीट नहीं है, तो ये जो मिरर का हिस्सा है वो रेडी हो गया। अब यहाँ पर हैंडल लग रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि ये अभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वाला वो नहीं लग रहा। तो यार ये 25-26 साल पुराना है और बेचारा पानी में, धूप में और बाहर इस तरह खजर खुआर होता रहा है, तो इसकी लकड़ी काफ़ी हद तक डैमेज हो गई हुई थी। फिर भी ये काफ़ी निखर कर आया है। हम प्रोफेशनल्स नहीं हैं, फिर भी वी ट्राई अवर बेस्ट। जी, तो 4 बज चुके हैं, तो दिल ने हैंडल भी लगा दिए हैं, बैक शीशा भी लग चुका है। अब आज पार्सल नहीं जा सके क्योंकि कुछ पेमेंट्स का जो है इशू चल रहा है, क्लाइंट्स ने एडवांस कराना था, उन्होंने कराया नहीं। अब इंशाल्लाह कल भेजूंगी, जो 2-3 है जिनकी पेमेंट ओके है। और अभी मैं मनहा के कपड़े प्रेस कर रही हूँ और इंशाल्लाह मनहा को ट्यूशन के लिए रेडी करना है, तो देखते हैं। अब मीरू आई है मेरे पास और मीरू ने दरवाज़ा खोल दिया है, और दरवाज़ा खोलो तो मेरे टेबल पर अंधेरा हो जाता है। मैंने हाई कपड़े प्रेस कर लिए हैं, अब मैं मनहा को उठाऊंगी, वो थोड़ी देर के लिए सोई हुई थी, और देन मैं उसको करूंगी तैयार। चलो आ जाओ, मानो आप ही को उठाएं। मनहा मनहा बेटा उठ जाओ। ये मीरू मेरी गोद में है जनाब, और ये डस्ट चेक करें, जैसे मैंने आपको रात को बताया था ना कितनी डस्ट होती है। तो अभी मनहा ट्यूशन जा रही है, तो कोई डिस्कशन चल रही है दोनों की। अच्छा जी, वॉच पहन रही है मनहा, एंड शी इज़ गोना। बाय 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 बाय, आपो को बाय बाय करो। हाँ मीरू, कैसा लग रहा है? ये कैटोबिली जो है ना, ये वहाँ से एक लिप ग्लॉस उठा लिया। अच्छा जी, तो अभी ये हमने शीशा रख दिया, और ये शीट दिल ने खुद ही काटी है, तो ये टेढ़ी मेढ़ी है थोड़ी सी। अब उसको शीट को फिक्स करने के लिए कील लगा रहे हैं। बैक साइड पे हमने इतना नीट पेंट नहीं किया, सिर्फ अस्तर ही मारा। क्या बहुत सर्दी है बाहर, बहुत मुश्किल से ये भी मैनेज हो पा रहा है। और काम 3रा दिन हो गया आज, ये वाला ख़त्म ही नहीं हो रहा। बाकी मैं मनहा वाला कमरा साफ़ कर रही थी, सुबह मैंने आपको सेटिंग दिखाई थी, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, तब तक डील ले। तो ये रूम है, मैंने ड्रेसिंग और ये यहाँ पर रख दिया। अभी कितना बखेड़ा, इतना ज़्यादा वेस्ट सामान इसमें से निकला। मनहा बाजी जोड़ती रहती है, अभी इसके टेबल की हालत देखिए। यहाँ ज़रा मनहा के काम, इतना कुछ उसने जमा कर रखा है। मेरे हाथ जो है चीखे मारी है मुझे देखे। अच्छा जी, अब हम शीशा लगाने लगे हैं। इस वॉल पे लगेगा मिरर। अभी ये 2 बड़े बड़े कील है, दिल ने लगाए हैं। अभी कह रहे इसके ऊपर स्टैक करके। आधी पहले वो वाला कील निकाल लो जो ऊपर, बिकॉज मैं ये वॉल नहीं ख़राब करना चाह रही थी। रील का आइडिया था इधर लगाते, मैं कह रही हूँ इधर लग जाए, मुझे पकड़ना पड़ेगा। तो ये क्लीनिंग कर लिया मैंने, अलमारी यहाँ शिफ्ट होगी, सुबह यहाँ थी, आप लोगों को मैंने दिखाई थी। अब ये रूम भी हो गया क्लीन, ठीक है। सफाई भी मैंने ऑलमोस्ट कर लिया, बाकी की सुबह ग्रैंड सफाई करेंगे। बस आधा आधा जो है वो कंप्लीट हो रहा है, घर को साफ़ सुथरा करने का मैं हर सीज़न में करती होती हूँ, एक दफ़ा पूरी रिन्यू सफाई करती होती हूँ। तो बस अब ये हमारा रूम भी साफ़ हो गया ये वाला, तो वो धोने वाले कपड़े अलग रखे हैं, अब उनको सुबह वॉश करेंगे, और ये ओवरऑल क्लीन ये हालत है ना। बस मैंने खाने इसको एक दिन के अंदर अंदर अगेन हर चीज़ दोबारा से गंदी और दोबारा से जो है ना A1 किस्म की बिखर जाएगी। यहाँ से ये सारे स्टोन हैं, ये मेरे इस बेड के ना उतर उतर जाते हैं, तो मैं यूएचयू के साथ सोचा अब इसको लगाऊंगी। मैंने सारे इकट्ठे करके यहाँ पे रखे, मैं पैक नहीं देती क्योंकि ये भी पुराना हो गया वैसे तो बेड, बट इसके जो स्टोन है ना मैंने बड़े संभाल संभाल के रखे हुए हैं। आते हैं टीवी लाउंज के, ये इस कमरे से मैंने कचरा निकाला है सारा। ये टेबल पर भी मैंने यहाँ की कॉपियाँ बिखरी हुई हैं। ये ड्रॉर में इतना ज़्यादा सामान इस बच्ची ने जोड़ा हुआ था, कोई टूटी फूटी चीज़ें तो पता नहीं, टोपियाँ तो हजो चीज़, कागज़ फाड़ फाड़ के बस पता नहीं क्या करते हैं बच्चे। बस ये चेक करें, अपने एक छोटे से बालू को इसने टूथपिक वाली डिब्बी के अंदर घुसा के रखा हुआ है। तो बस ये बिखेड़ा है, अब ये सारा क्लीन करना है। और हाँ, मिरर लग गया, मिरर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारे पार्सल कितना बिखेड़ा है। आप लोग कहते हैं क्या करती हूँ मैं, तो ये मिरर मैंने यहाँ पे हैंग करवाया। फिर मैंने बालों में तेल मंड के लगा लिया, मैं नहाऊंगी, पहले सफाई करूँगी, फिर नहाऊंगी और फिर यहाँ के रूम की क्लीनिंग करूँगी। यहाँ पे भी सारा ये कचरा, तो पता नहीं क्या क्या सब कुछ बिखेरा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कहीं बिजी थी। तो ये पार्सल्स जो है उनका सामान है, जो कुछ टन हुई हुई चीज़ें, मैं 3 दिन से बिल्कुल आउट हूँ काम से, तो इंशाल्लाह आज रात से अपडेट हो जाऊँगी। और अभी जो है ये मिरर हैंग करवाया यहाँ पर, अब उसका कंजोल यहाँ पर मैं लेकर आऊँगी। अभी ये इसलिए चीज़ें बाहर बिखरी हुई हैं क्योंकि स्पेस इशू था, इनकी पिक्चर्स बनानी थी तो पिक्चर्स बनाई हैं। ये कुछ लिपस्टिक्स हैं, ये सोफ़ा भी बिखरा हुआ है बेचारा। तो अब ये रूम साफ़ करना है, पहले लाउंज करेंगे फिर रूम करेंगे। तो ये लाउंज है। तो ये रहा ड्रेसिंग, ड्रेसिंग अंदर आ चुका है, ऊपर मैंने चीज़ें भी रख ली हैं। अब जनाब इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको, एक हाथ से तो ये खुलता नहीं है ना, ये देखें। ठीक है जी, एक लास्ट वाला खोल के दिखा देती हूँ, ये ना दोनों हाथों से खुलता है।
में नहीं सारी पैदल सकती। तो खैर इसका जब ये पूरा मैं कर लूँगी सेट तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी चीज़ें मैंने क्या क्या रखी है। मैं हूँ, मैंने मंडके तेल लगाया हुआ है फिलहाल, हमने यहाँ लगाया है। मे बी यहाँ से उतार के इसको कहीं और शिफ्ट करें। आप लोग बताएं कैसा लग रहा है। अभी जगह की कमी की वजह से ये मिरर यहाँ पर हैंग किया मैंने। लाइट जलाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है सारा ये मिरर। ठीक है, फाइनल लुक मिरर की। और ये तो मेरा पुराना वाला है जो प्लास्टिक का था, और ये ड्रेसिंग टेबल जो कि अभी सेटिंग जारी है, इसके अंदर सामान रखा है मैंने। हाथों की हालत चेक करें ज़रा, ये वाला तो फिर भी बेहतर है, ये वाला तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया। तो ये शेल्फ जो थी वो यहाँ लगी हुई थी तो ये यहाँ से उतार दी। अब ये जो टेबल था जो पहले इस तरफ पड़ा हुआ था वो इधर रख दिया इस वाले शीशे के आगे। अब दिल और मेरा ये था कि ये भी वाइट होना चाहिए, तुम्हारा भी हिम्मत नहीं है बिल्कुल क्योंकि अब काम के टाइम है। तो ये वो ब्राउन ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा परमानेंट नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ा बजट बनेगा चेस्टर बनवाऊँगी अपना इस मिरर की हाइट के मुताबिक, फिर ये कहीं और शिफ्ट आउट करेंगे। अभी ना होने से बेहतर है क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जस्ट बिकॉज़ कि मेरा सारा सामान इनमें पड़ा हुआ था। तो ये प्लास्टिक के ड्रॉर हैं, अभी भी कुछ पैलेट्स इसमें हैं बड़े वाले जो मतलब इतनी ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए होती। इसमें ब्लेंडर्स हैं सारे रखे हुए, क्लीन करके मैं रख देती हूँ। इसमें पेंस हैं, ये ट्रैवल ब्रशेस हैं, ये कुछ स्पंचेस हैं शीन के, तो मैं किसी दिन आपको कंप्लीट दिखाऊंगी। तो ये क्या था ना, ये प्लास्टिक का था ना, तो ये इतना हैवी सामान कैरी नहीं करता। तो सारा कुछ मैंने छोटी छोटी टोकरियों में डाल के रखा हुआ था। तो ये जैसे कि ब्लाशों में अपने सारे इसमें डाल के रखे हुए तो वो मिलते ही नहीं थे। तो अब मैं आपको दिखाऊँ, बड़े प्यारे लग रहे हैं, मतलब कि पता चल रहा है कि ये ब्लाशों में मेरे पास ये चेक करें तो मतलब अब समझ में आ रही हैं चीज़ें कि ये मुझे चाहिए, यहाँ बैठ के काम करना है, ड्रॉर ओपन कर लो, बस समझ में आ रहा है कि ये चीज़ अवेलेबल है। तो उसमें बड़ा कंजेस्टिव हो रहा था। खैर ये भी मेरा बड़ा काम का चेस्टर है, पर है प्लास्टिक का। जब मैं अपना एक्चुअल बनवा लूँगी तब इसको किचन में शिफ्ट करूँगी क्योंकि किचन में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ भी स्पेस का काफ़ी इशू है। तो ये वैसे मैंने लिया इसी नीयत से था कि जब कभी मैं ड्रेसिंग बनवा लूँगी तो फिर मैं ये जो है किचन में यूज़ कर लूँगी, या एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ें आ जाती हैं इसमें बर्तन वगैरह के लिए, मसालों वगैरह के लिए। ठीक है, क्योंकि हैवी चीज़ें डालेंगे ना तो ये झुकना शुरू हो जाता है और काम नहीं सही करता। तो इस तरह से मैंने इसको ठीक ठाक किया है, अंडर 5000 में ये काम किया है कि 5000 भी ना लगे और ये काबिले कबूल हो जाए यहाँ रखने के। अभी इसके ऊपर लास्ट काम है, इस तरह का शीशा कटवा के रखना है इसके ऊपर इंशाल्लाह। इसके डिज़ाइन का रील चाह रहा है कि आईना कटवा के रखें जैसे ये मिरर होता है, पर मैं कह रही हूँ इस तरह का मिरर कटवा के रखें, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये तो पेंटू लगेगा। तो फिर इंशाल्लाह जब चेस्टर, अभी तो खैर नहीं बन रहा, जब बन जाएगा फिर इसको यहाँ तो इस जगह पर शिफ्ट करूँगी। और ये मेरा स्टडी टेबल है, इसमें मैं कंप्यूटर का काम करती हूँ बैठ के, इसलिए मैंने इसे क्लीन भी किया क्योंकि बुकिंग वगैरह करानी होती है तो इसकी ज़रूरत होती है मुझे। यहाँ मैं एडिट करती हूँ जब कोई काम, तो फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो फिर ये मेरा रूम में चला जाएगा। तो अभी ये रही अपडेट। अब मैं नहाने जा रही हूँ, आज जो है कुकिंग नहीं किया है। मुंजा को मैंने बुलाया है, वो मटर वाले चावल बना रही है। ग्राइंडर की आवाज़ आपको आ रही होगी, टाइम हो चुका है 8:45। आज हम बहुत लेट हो गए हैं तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं थी, तो मैंने उसको बुलाया तो वो कर रही है। तो इंशाल्लाह अब कल के ब्लॉग में मिलूंगी आपको, जो भी करूँगी जैसा भी दिन मेरा शुरू होगा। अभी मैं नहाकर अगर हिम्मत बची, क्योंकि जिस समय बहुत टाइट वाली दर्द हो रही है, तो ये सारा कुछ समेटना है। ये कुछ पार्सल्स हैं जो बनाने हैं, जो कल भेजने हैं, और अब मैं फाइनली फ्री हो गई हूँ तो सबको आंसर भी करना है। तो ये रहे हालात अब तक के। तो इसका टूर अगर आपको पूरा चाहिए कि मेरे पास क्या क्या मेकअप में क्या क्या चीज़ें हैं और मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ, अभी ये वाली जगह खाली हैं क्योंकि इधर मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, शीट शीट मंगवाऊँगी बिछाऊँगी तो फिर ये खाली हैं अभी। मैं भी इधर, मैं वो जो वहाँ पर एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है ड्रॉर वगैरह में, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। तो या ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग मेरे कैसे लग रहे हैं। मेरे व्लॉग जुबान मेरी अटक रही है, सांस मुझे चढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने कोई पूरे कार का झाड़ू लगाया अभी, तो मैं जवाब देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर एंड कमेंट। और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। सारा रूम क्लीन करके कल के व्लॉग में मिलेंगे। शब खैर।